दोस्तों, क्या आप भी एक न्यू SUV कार लेना चाहते हैं 15 लाख के अंदर और बेस्ट SUV की तलाश में हैं जो आपके लिए बेस्ट हो? तो इस वीडियो में हम आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं टॉप 8 बेस्ट SUV कार अंडर 15 लाख। यानी कि अगर आपकी बजट 15 लाख है तो उसके अंदर में आप किसी भी कार को ले सकते हैं आँख बंद करके। आपको कभी किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी, सभी टेस्टेड ट्राई एंड टेस्टेड है और सभी परफॉर्मेंस में बिल्कुल आगे है लग्जरी ने से प्रीमियम ने से। यानी कि आप सभी लोगों को इन सभी कारों को लेने में बिल्कुल नहीं सोचना है। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए, सभी मेन पॉइंट्स मैं इस वीडियो में बताऊंगा उन सभी कार्स की, और बाकी डिटेल्स के लिए आपको उसका फुल डिटेल देखना होगा। इससे पहले कि हम आप सभी लोगों को यह खास जानकारी बताएं, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। दोस्तों, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी बजट कितनी है और आप कौन सी कार या फिर कितने बजट की कार लेना चाहते हैं, कौन से बॉडी शेप की कार लेना चाहते हैं। तो दोस्तों, हमारे लिस्ट पर 8वें नंबर पर है फोर्स गोरखा, जो फोर्स कंपनी की तरफ से आती है। यह कार सबसे लास्ट पर इसलिए है क्योंकि यह कार काफ़ी कम बिकती है लेकिन परफॉर्मेंस में काफ़ी ज़्यादा आगे है, जो मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। फोर्स गोरखा सिर्फ डीजल वेरियंट पर आता है, इसका पेट्रोल वेरियंट या फिर ऑटोमेटिक वेरियंट लॉन्च नहीं किया गया है। इस कार की स्टार्टिंग प्राइस 9,75,000 से शुरू होकर 13,30,000 तक जाती है। अगर आप इस कार को लेना चाहते हैं तो इस कार पर आपको 2.6 लीटर का डीजल इंजन मिलता है जो 86 bhp की पावर जनरेट करती है और 230 नैनोमीटर का टॉर्क जनरेट करती है। इसके अलावा इसी कार पर आपको एक और इंजन मिलता है 2.1 लीटर का डीजल इंजन जो एक टर्बो इंजन की पावर जनरेट करती है जो 140 bhp की पावर जनरेट करती है और 321 नैनोमीटर की टॉर्क जनरेट करती है। इस कार पर आपको मिलेगी 17 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज और इस कार को 16 इंच एलॉय व्हील के साथ में पेश किया गया है। यानी कि इसमें आपको 16 इंच के टायर्स देखने को मिलेंगे जिसमें एलॉय व्हील का ऑप्शन दिया गया है। इस कार को पर आपको मिलेगा 500 लीटर की बूट स्पेस और ग्राउंड क्लियरेंस 210 mm में। इस कार को 6 सीटर ऑप्शन पर लॉन्च किया गया है। इसके बाद लिस्ट पर 7वें नंबर पर है रेनॉल्ट डस्टर, जिसे ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों ही वेरिएंट पर लॉन्च किया गया है लेकिन इस कार को पेट्रोल वेरिएंट पर लॉन्च किया गया है। यह कार अपने ऑफरोडिंग वगैरह के लिए काफ़ी ज़्यादा जानी जाती है और अपने परफॉर्मेंस को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। इस कार की स्टार्टिंग प्राइस 8,59,000 से शुरू होकर 13,59,000 तक जाती है, जिसमें आपको 1.5 लीटर का नॉर्मल पेट्रोल इंजन मिलता है जो 104 bhp की पावर जनरेट करती है और 152 नैनोमीटर की टॉर्क जनरेट करती है। इसके अलावा इसी कार पर आपको एक न्यू वेरिएंट मिलता है 1.3 लीटर की टर्बो पेट्रोल इंजन की वेरिएंट जो जनरेट करती है 153 bhp की पावर और 254 नैनोमीटर की टॉर्क। इस कार पर आपको 17 इंच के एलॉय व्हील का ऑप्शन दिया गया है और इस कार पर 475 लीटर की बूट स्पेस दी गई है। इस कार पर आपको मिलती है 205 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस जो आपको ऑफरोडिंग वगैरह में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। इस कार को 5 सीटर कार बनाया गया है इसलिए आपको परफॉर्मेंस में कभी किसी प्रकार की कमी नहीं होने वाली है। इसके बाद हमारी लिस्ट पर 6वें नंबर पर है महिंद्रा थार, जो अपने ऑफरोडिंग के लिए और अपने परफॉर्मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा बिकती है। इस कार को आप पेट्रोल, डीजल, ऑटोमेटिक, मैनुअल सभी ऑप्शन पर ले सकते हैं। सभी ऑप्शन अलग अलग है। 9,80,000 से ये कार शुरू होती है जो 13,75,000 तक जाती है। इस कार पर आपको मिलती है 15 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज और इस कार पर आपको 2.0 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है जो 150 bhp की पावर जनरेट करती है और 300 नैनोमीटर की टॉर्क जनरेट करती है। इसके अलावा इस कार पर आपको 2.2 लीटर का डीजल इंजन का भी ऑप्शन है जो 130 bhp की पावर जनरेट करती है और 300 नैनोमीटर का टॉर्क डीजल इंजन भी जनरेट करती है। इस कार पर आपको 2 ऑटोमेटिक डीजल और 2 ऑटोमेटिक पेट्रोल का ऑप्शन मिल जाएंगे, आप किसी भी वेरियंट को ले सकते हैं। इस कार पर आपको 16, 17 और 18 इंच के टायर्स के ऑप्शन मिलते हैं जो एलॉय व्हील के साथ में भी आते हैं। आप इसके बेस वेरिएंट को लेते हैं तो आपको 16 इंच और अगर आप टॉप मॉडल को लेते हैं तो आपको उस पर 18 इंच के टायर्स का ऑप्शन मिलते हैं। इस कार पर आपको मिलती है 600 लीटर की बूट स्पेस जो आपके लास्ट सीट को फोल्ड करने पर हो जाती है क्योंकि यह सीट जो है वो साइड सीट है और इस कार पर आपको 6 और 4 सीटर
के ऑप्शन मिलते हैं, यानी कि आप इसके 4 सीटर और 6 सीटर दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं बाय मॉडल। और इस कार का ग्राउंड क्लियरेंस 187 mm से लेकर 226 mm तक है, यानी कि इस कार को आप ऑफ रोडिंग में काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ में यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारी लिस्ट पर 5वें नंबर पर है किया सेल्टोस, जो हाल ही में लॉन्च हुई एक कार है, लेकिन यह कार काफ़ी ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस दे रही है और काफ़ी ज़्यादा बिकने वाली मोस्ट सेलिंग कार भी बन चुकी है। इस कार पर आपको मिलता है पेट्रोल, डीजल, ऑटोमेटिक, मैनुअल सभी ऑप्शन। इस कार की स्टार्टिंग प्राइस 9,89,000 से शुरू होकर 17,37,000 तक चली जाती है। इस कार पर आपको मिलेगी 1.5 लीटर की पेट्रोल इंजन, जो 113 bhp की पावर जनरेट करती है 144 नैनोमीटर टॉर्क पर। और इस कार पर आपको एक टर्बो इंजन मिलता है 1.3 लीटर का टर्बो पेट्रोल, जो 138 नैनोमीटर की टॉर्क जनरेट करती है 242 नैनोमीटर टॉर्क पर। और साथ में डीजल ऑप्शन है, जो 1.5 लीटर डीजल वेरिएंट है, वो 113 bhp की पावर जनरेट करती है 250 नैनोमीटर टॉर्क पर। इस कार पर आपको 16 और 17 इंच के एलॉय व्हील का ऑप्शन दिया गया है। यह कार 5 सीटर है और इस कार का बूट स्पेस 433 लीटर की है। इस कार पर आपको 190 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, जो आपके लिए काफ़ी बेहतरीन है, आपको ऑफ रोडिंग वगैरह में भी ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। और यह बेस्ट परफॉर्मेंस वाली कार है, आपको कभी इस पर परफॉर्मेंस की कमी नहीं मिलने वाली है। इसके बाद लिस्ट पर 4वें नंबर पर है Hyundai Creta, जिसकी स्टार्टिंग प्राइस 9,89,000 से शुरू होकर 17,31,000 से तक जाती है। और इस कार पर भी किया सेल्टोस का ही इंजन लगा हुआ है, या फिर किया सेल्टोस पर Hyundai Creta का ही इंजन लगा हुआ है, यानी कि दोनों ही कंपनी पर लगभग सभी चीज़ें सेम दी गई है। और दोनों ही किया सेल्टोस और Hyundai Creta में दोनों चीज़ें सभी चीज़ें सेम दी गई है। इस कार पर भी आपको 16 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज मिलती है पेट्रोल पर, और 20 किलोमीटर की माइलेज मिलती है डीजल पर। इस कार पर भी आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन, 1.3 लीटर का टर्बो पेट्रोल और 1.5 लीटर का डीजल इंजन मिलता है, जो सेम पावर जनरेट करती है किया सेल्टोस इतना ही। और इस कार पर भी आपको 16 इंच के एलॉय व्हील और 17 इंच के एलॉय व्हील का ऑप्शन दिया गया है। ये कार 5 सीटर है। इस कार का बूट स्पेस भी किया सेल्टोस की तरह 433 लीटर की है और इस कार का ग्राउंड क्लियरेंस 190 mm है। इसके बाद हमारी लिस्ट पर 3रे नंबर पर है महिंद्रा XUV500। महिंद्रा XUV500 की स्टार्टिंग प्राइस 13,75,000 से शुरू होकर 19,47,000 तक जाती है। इस कार पर आपको सिर्फ डीजल ऑप्शन मिलता है और इस कार पर मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ही ऑप्शन दिए गए हैं। इस कार पर आपको 2.2 लीटर का डीजल ऑप्शन मिलता है, जो 152 bhp की पावर जनरेट करती है 360 नैनोमीटर टॉर्क पर। इस कार पर आपको मिलती है 17 और 18 इंच के एलॉय व्हील का ऑप्शन, जो 7 सीटर कार है। और इस कार का ग्राउंड क्लियरेंस 200 mm है। इस कार पर आपको नॉर्मली 93 लीटर की बूट स्पेस मिलती है, क्योंकि यह 7 सीटर कार है, और अगर इसके लास्ट सीट को आप फोल्ड कर देते हो तो आपको वो जो बूट स्पेस है वो 405 लीटर की बूट स्पेस पर कन्वर्ट हो जाती है। इस कार पर आपको 15 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज मिल जाती है। इसके बाद लिस्ट पर 2रे नंबर पर है MG Hector, जो बिल्कुल नई कंपनी है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस दे रही है इंडिया को, और काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ में MG Hector आती है। इस कार पर आपको पेट्रोल, डीजल, ऑटोमेटिक, मैनुअल सभी ऑप्शन मिलते हैं। और अगर आप इस कार को लेना चाहते हैं तो इस कार की स्टार्टिंग प्राइस 12,53,000 से शुरू होकर 18,08,000 तक जाती है, जिस पर आपको पेट्रोल पर 15 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज मिलती है और डीजल पर 17 किलोमीटर प्रति लीटर की। इस कार पर आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 141 bhp की पावर जनरेट करती है 250 नैनोमीटर टॉर्क पर। और इसका 2.0 लीटर डीजल इंजन का जो ऑप्शन है वो 167 bhp की पावर जनरेट करती है 350 नैनोमीटर टॉर्क पर। इस कार पर आपको मिलती है 17 इंच के एलॉय व्हील। इसके अलावा इस कार को 5 सीटर कार बनाया गया है और इस कार का ग्राउंड क्लियरेंस 192 mm है। इस कार पर आपको 587 लीटर की बूट स्पेस मिल जाती है
और साथ ही अगर आप MG हेक्टर प्लस को लेना चाहते हैं तो उसकी कीमत MG हेक्टर से कुछ हज़ार ज़्यादा है, और उस कार पर आपको 6 सीटर ऑप्शन मिल जाते हैं। साथ ही अगर आप उस कार के बूट स्पेस को देखें तो उस कार पर आपको 6 सीटर के बाद 155 लीटर की बूट स्पेस मिलती है, जिसे आप फोल्ड करके और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इसके बाद हमारी लिस्ट पर फर्स्ट नंबर पर है सबसे लग्जरियस और सबसे प्रीमियम कार जो है टाटा हैरियर। और टाटा हैरियर अपने दमदार इंजन परफॉर्मेंस और एक लग्जरी लग्जरीनेस के लिए जानी जाती है। जितने भी कार्स हमने आपको बताएं सभी कार्स प्रीमियम और एक लग्जरी या फिर ऑफ रोडिंग में काफ़ी ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस वाली कार है। उसी के मुताबिक टाटा हैरियर भी सबसे आगे है। इस कार की स्टार्टिंग प्राइस 13,69,000 से शुरू होकर 20,25,000 के लिए जाती है, और इस कार पर आपको 17 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज मिल जाती है। अगर आप इस कार को पेट्रोल वेरिएंट पर लेना चाहते हैं तो वो फिलहाल अवेलेबल नहीं है, जिस कारण काफ़ी लोगों को यह पसंद नहीं आती है। लेकिन डीजल वेरियंट को पसंद करने वाले या फिर डीजल की कार को पसंद करने वाले को यह कार एक नज़र में पसंद आती है। काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी बड़ी साइज की मोस्ट प्रीमियम SUV है। इस कार को अगर आप लेते हैं तो इस कार पर आपको 2.0 लीटर की डीजल इंजन मिलती है, जो कि काफी बेहतरीन और काफी ज्यादा पावर जनरेट करती है। 167 BHP की पावर जनरेट करती है, जो बाकी कार्स के मुकाबले काफी ज्यादा है। यानी कि आपको इस लिस्ट पर जितने भी कार्स दिखाए उन सभी कार्स में सबसे ज्यादा जो पावर है वो इस डीजल इंजन का ही है। और इस कार पर आपको 350 नैनोमीटर का टॉर्क मिलता है। इस कार पर आपको बेस वेरियंट पर 16 इंच के एलॉय व्हील और टॉप मॉडल पर 17 इंच के एलॉय व्हील का ऑप्शन दिया गया है, जो 5 सीटर SUV है। और इस कार का ग्राउंड क्लियरेंस 205 mm है। अगर आप इसके बूट स्पेस की बात करें तो 425 लीटर की बूट स्पेस इस कार पर आपको मिल जाती है। तो आई होप कि आप सभी लोगों को पूरी जानकारी मिल गई होगी और आपको आठों कार के बारे में फुल डिटेल पता चल गई होगी। अगर आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन हो या फिर आपको किसी और कार के बारे में रिव्यू चाहिए या फिर कोई भी सवाल आपके मन में है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करें, और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपकी बजट कितनी है और आप कौन सी कार लेना की सोच रहे हैं।